हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आज अपनी क्लास के अंदर 1857 की जो क्रांति है वो पढ़ने वाले हैं। उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो करेंगे आज की क्लास के अंदर। आप सभी को पता है दोस्तों, आज मैंने एक क्लास पहले भी दी थी दोस्तों, राजस्थान के जो अपने सभ्यता थी दोस्तों, उनकी क्लास दी थी आपको। और अब दे रहा हूँ दोस्तों दूसरी क्लास आज की है, 1857 की क्रांति दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में फांसी का फंदा चूमने वाला प्रथम राजस्थानी था दोस्तों। अर्जुन लाल सेठी, दामोदर दयाल व्यास, बल मुकुंद बिस्सा, अमरचंद बांटिया। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी कौन थे दोस्तों? जयपुर के अंदर जन आकृति जो अपना जन जागृति के अंदर दोस्तों जनक है, जयपुर में जन जागृति के जनक। ठीक है, जनक दोस्तों कौन था जो अर्जुन लाल सेठी था दोस्तों? बाल मुकुंद बिस्सा दोस्तों। इनकी दोस्तों भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है दोस्तों, भूख हड़ताल की थी इन्होंने और उसके द्वारा दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और 1857 की क्रांति में पहली बार फांसी पर चढ़े दोस्तों वह अमरचंद बांटिया दोस्तों, राजस्थान के पहले क्रांतिकारी। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आउवा के किले पर अधिकार किया था दोस्तों? कैनिंग, पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल होम्स, मैकमोशन। किसके नेतृत्व में? कैनिंग 1857 के समय दोस्तों कैनिंग था दोस्तों, क्या भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों। ठीक है, 1857 के समय ये आपका कैनिंग था दोस्तों। मैकमोशन कौन था दोस्तों? अपने जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों, ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट। और जो आउवा के अंदर दोस्तों हुआ था दोस्तों, वो कर्नल होम्स के नेतृत्व में दोस्तों ये किया गया था दोस्तों। 1857 की क्रांति अपने संग्राम में मेहराब खान एवं जयदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? कोटा के अंदर, धौलपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर या अलवर के अंदर? कोटा के अंदर करते हैं दोस्तों आपका। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? महाराजा तख्त सिंह, महाराजा हनुमत सिंह, महाराजा बख्तावर सिंह, महाराजा अभय सिंह। कौन था दोस्तों जोधपुर का शासक? महाराजा हनुमत सिंह कब थे दोस्तों? राजस्थान का एकीकरण के समय, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना दोस्तों, तब दोस्तों राजस्थान के जो जोधपुर के शासक थे दोस्तों वो थे हनुमत सिंह, राजस्थान का एकीकरण के समय। ठीक, महाराजा बख्तावर सिंह, महाराजा अभय सिंह दोस्तों होरडा सम्मेलन के समय। जो हुरडा सम्मेलन हुआ था ना उस समय दोस्तों, और महाराजा तख्त सिंह 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे। राजस्थान की किस रियासत का शासक अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता अर्थ राज्य से बाहर निकाला गया था? सहायता अर्थ के लिए राज्य से बाहर निकाला गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। किस रियासत की सेना के दोस्तों बताओ? बीकानेर। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान से के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी दोस्तों? कोठारिया, भिंडर, बदनोर या असिंध। यानी 1857 के विद्रोह के समय आहुआ की ठाकुर कुशाल सिंह को दोस्तों मेवाड़ के किस शासक ने सामंत ने दोस्तों यहाँ शरण दी थी? तो दोस्तों सामंत कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ के शासक थे दोस्तों? सलंबर के शासक थे दोस्तों।
और अपने कोठारिया के अंदर दोस्तों यहाँ शरण दी थी। किसने दी थी दोस्तों? रावत जोधसी ने दी थी दोस्तों, रावत जोधसी ने शरण दी जाती है दोस्तों कोठारिया के अंदर। सलुम्बर के दोस्तों अपने ठाकुर थे, सलुम्बर के ठाकुर कुशाल सिंह। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के समय दोस्तों राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, पैट्रिक लॉरेंस, जनरल ह्यूसन, लेफ्टिनेंट बाग। दोस्तों जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, यह बताना है एग्जैक्ट आपको, बताइए जल्दी से। एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी AGG वो था पैट्रिक लॉरेंस। और अपना गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, वो 1857 के समय वो था लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में इसके सैनिक छावनियां थी कितनी? ये आपके ग्राम सेवक के अंदर, पटवारी के अंदर दोस्तों, और अभी CET के अंदर, ग्रेजुएशन और दोनों में दोस्तों, 12th लेवल और ग्रेजुएशन फाइनल लेवल दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल इतने एग्जाम के अंदर पूछा गया है दोस्तों। 1857 के समय दोस्तों सैनिक छावनियां कितनी थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं क्या कौन कौन सी दोस्तों? एक थी नसीराबाद। कौन सी थी? एक नसीराबाद, एक दे अपने नीमच, एक देवली, एक एरिनपुरा और एक ब्यावर, एक अपने खैरवाड़ा। इतनी थी दोस्तों जो ब्यावर और खैरवाड़ा के अंदर दोस्तों 1857 के अंदर दोस्तों क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। और ये चार छावनियां दोस्तों इन्होंने भाग लिया था 1857 की क्रांति के समय। कुल छावनियों की संख्या 6 थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। भीथोड़ा नामक स्थान संबंधित है दोस्तों मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, भित्ति चित्रों से, या जल विद्युत परियोजना से? जो भीथोड़ा नामक स्थान है ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? भीथोड़ा का युद्ध कब होता है दोस्तों, ये बताओ सबसे पहले। तो मुझे अभी याद आया भीथोड़ा का युद्ध, भीथोड़ा का युद्ध, भीथोड़ा कहां पर है दोस्तों? ये पाली जिले के अंदर है भीथोड़ा। और यहाँ पर आपका 8 सितंबर 1857 को दोस्तों आपके कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत वर्सेस, यानी कुशाल सिंह चंपावत और दोस्तों अपने एक था शासक था दोस्तों ओनारसी, ओनारसी शासक था दोस्तों, उसके मध्य युद्ध होता है। ठीक है, और इसके अंदर 1857 के संग्राम से संबंधित था दोस्तों ये। आहुआ का वह विद्रोही ठाकुर जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से मुकाबला किया था दोस्तों, के हर सी दोस्तों, ओनाड़ सी, कुशाल सी, हरदयाल सी दोस्तों। ओनार सी के साथ हुआ था दोस्तों वो, अपने मैंने गलत लिखा दिया क्या दोस्तों? ओनार दोस्तों, ओना ओनार नहीं, ओनार सी के मध्य हुआ था दोस्तों। ठीक है, एडिट कर लेना दोस्तों, कई बार याद ऐसा ही रहता है दोस्तों। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से मुकाबला किया था दोस्तों किसने? ओनार सी कौन थे? तख्त सी के सेनापति थे दोस्तों, तख्त सी के सेनापति। और आहुआ का विद्रोही ठाकुर किसने दोस्तों जिसने 1857 की क्रांति का अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया, वो था कुशाल सिंह। भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोसन, जनरल सॉमर्स, जेडी होल, मॉरिसन। जो पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों मैक मोसन था, ये अपने मारवाड़ का था दोस्तों, मैक मोसन मारवाड़, MM दोस्तों।
ठीक है। जनरल सौवस था दोस्तों, ये आपने उदयपुर का था। जेडी हो रहा है दोस्तों, ये आपका सिरोही का था। और अपने मोरिसन था दोस्तों, ये अपने भरतपुर का था, मोरिसन। और अपने कर्नल इर्डन दोस्तों, एक और था ना, कर्नल इर्डन, कर्नल इर्डन, ये आपका जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों। एक वर्टन के नाम से दोस्तों एक था, और वो पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों कोटा का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरिसन। सारे याद होने चाहिए दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं तो दोस्तों। और जिनको नंबर ही नहीं लेने दोस्तों, वो तो आप मेरी मेहनत देख लेना दोस्तों, शायद आपको वैसे एहसास हो जाएगा कि आपको याद करने चाहिए। जोधपुर लीजियन टुकड़ी किस सैनिक छावनी से संबंधित है दोस्तों? एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, देवली। जो जोधपुर लीजियन टुकड़ी, वह है एरिनपुरा। 1800 सॉरी, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, देवली। देवली से होती है 5 जून 1857 को दोस्तों। ठीक, नीमच से कब होती है दोस्तों? नीमच से होती है 3 जून 1857, 3 जून 1857। एरिनपुरा से होती है दोस्तों, दो भागों के अंदर होती है एरिनपुरा से, एक होती है 23 को और एक होती है 21 को पहले, और उसके बाद 23 अगस्त 1857 को। और नसीराबाद से सर्वप्रथम होती है 28 मई 1857 दोस्तों। ठीक है, यह राइट हो जाएगा आपका पहला। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में अहुआ में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कैप्टन सोवर्स, मैक मोसन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल इर्डन। मैक मोसन दोस्तों कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था ना दोस्तों, मैक मोसन मारवाड़ का, सॉरी। और इसी की हत्या की जाती है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति कब हुई दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले ही तो चर्चा कर रहा था दोस्तों। अट्ठाईस मई 1857। ठाकुर कुशाल सिंह के अपराधों की जांच हेतु किस आयोग की स्थापना की गई? टेलर आयोग, ट्रेच आयोग, लोडा आयोग, कुरेशी आयोग। यानी जो ठाकुर कुशाल सिंह अपराधों की जांच के लिए दोस्तों कौन सा आयोग दोस्तों बिठाया गया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने दोस्तों नीमच के अंदर, नीमच कहां पर है? सीकर के अंदर, वहां पर अपना आत्मसमर्पण किया था दोस्तों। ठीक है, और ट्रेलर आयोग का गठन किया जाता दोस्तों, और 1864 के अंदर ये रिहा हो जाते हैं दोस्तों कुशाल सिंह। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? दुर्साहडा, बाकीदास, गिरधर, आसिया केसरी, सी भारत। बताओ, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर दोस्तों ये रचना है बांकी दास की। तीन जून 1857 को किस छावनी में रात्रि 11 बजे सैनिक विद्रोह हुआ था? नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा, नसीराबाद। नसीराबाद में बख्तावर सिंह नेतृत्व करने वाला, बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया था।
और नीमच के अंदर 3 जून 1857 को दोस्तों विद्रोह होता है हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के द्वारा दोस्तों ये किया जाता है। 1857 के क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे दोस्तों, बताओ बीकानेर का शासक। अब मैं यहां पर सारे शासक लिखवा देता हूं दोस्तों, ठीक है। जोधपुर के शासक थे दोस्तों अपने 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह, याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय दोस्तों आपके मेवाड़ के थे स्वरूप सिंह, मेवाड़ के कौन थे, स्वरूप सिंह। और आपके कोटा के थे महाराव राम सिंह सेकंड दोस्तों, कोटा के महाराव भीम सिंह सेकंड, और जयपुर के थे राम सिंह सेकंड दोस्तों। राम सिंह राज सिंह दोस्तों, राम सिंह सेकंड। और उसके बाद बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह, शासक लिखवा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह, और अपने डूंगरपुर के थे उदय सिंह, कौन थे, उदय सिंह। और अपने प्रतापगढ़ के थे दोस्तों दलपत सिंह, दलपत सिंह। ठीक है, और बीकानेर के थे सरदार सिंह। ये सारे के सारे बीकानेर अपने 1857 के समय क्रांति के साथ थे दोस्तों, क्रांतिकारी के साथ क्रांति हुई थी दोस्तों उस समय, नोट डाउन कर लेना। ये सरदार सिंह थे दोस्तों बीकानेर के। स्वरूप सिंह कहाँ के थे दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, मेवाड़ के दोस्तों। राम सिंह सेकंड जयपुर के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। अभी थोड़ी देर पहले ही सारे बताए थे दोस्तों, सॉवर्स काका, एडन काका, बर्टन काका, मैकमोसन काका, मैकमोसन मेवाड़ का, बर्टन था कोटा का दोस्तों। दोस्तों चीजें बताई जाती है उनको दोस्तों भूला मत करो दोस्तों, इसलिए मैं आपको नोट डाउन करने के लिए बोला था दोस्तों। अपना कर्नल, अपना जो इर्डन था दोस्तों, यह कहाँ का था, कर्नल इर्डन, यह आपका अपने कर्नल इर्डन जयपुर का था ना दोस्तों। और शोवर्स दोस्तों यह आपका उदयपुर का था। अब देख लो कोटा का दोस्तों, पता लग गया ना, बर्टन था आपका। चलो अगला प्रश्न, सूड एवं अपने नवंबरी अंग्रेज अधिकारी किस सैनिक छावनी के विद्रोह में मारे गए थे। एरिनपुरा, ब्यावर, नसीराबाद, नीमच। यह नसीराबाद के अंदर दोस्तों। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है। अमरचंद बांटिया, सागरमल गोपा, शिवनाथ सिंह, मोहम्मद बेग। राजस्थान का दोस्तों मंगल पांडे। वह है अमरचंद बांठिया। राजस्थान के 1857 की क्रांति के पहली फांसी इन्हें दी गई थी, अमरचंद बांठिया को दोस्तों। करौली शासक मदन पाल द्वारा क्रांति के समय अंग्रेजी सरकार की मदद के लिए उसके तोपों की सलामी की संख्या बढ़ाकर कितने कर दी गई दोस्तों। 13, 17, 15, 21। तेरह से के बढ़ाकर 17 कर दी गई तोपों की सलामी की संख्या। शिखर युद्ध में तात्या टोपे की पराजय के बाद इसके 600 सैनिकों ने किसके समक्ष आत्म समर्पण किया था दोस्तों, बताओ। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह,
ए जी जी पैट्रिक लॉरेंस, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह, अलवर महाराजा विनय सिंह। 600 सैनिकों ने दोस्तों किसके समक्ष समर्पण किया था, अपने बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने दोस्तों के समक्ष। कोटा कंटी नजेंट सैनिक टुकड़ी क्रांति के समय किस छावनी में तैनात थी, ब्यावर, नसीराबाद, देवली या नीमच। वो था दोस्तों आपके देवली, और देवली कहां पर है, टोंक के अंदर दोस्तों। ये आपके 1857 की क्रांति के समय सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको कवर करवा दिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।